वेलकम बैक स्टूडेंट हमारे चैनल उदय ऑनलाइन क्लासेस पे। और हम देख रहे थे एक्सरसाइज 2.3 और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वही कहता है कि आपको इससे इसमें भागा लगाना है। x माइनस ए से क्या करना है स्टूडेंट, इसमें भागा लगाना है और बताना है कि शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो पहला आपका काम होगा इसको सॉल्व करने में कि x माइनस ए बराबर लेंगे 0 और यहां से इसका x का मान निकालेंगे माइनस ए, तो ये हो गया प्लस ए। तो यहां पर x का वैल्यू स्टूडेंट हमें मिला a। अब हम लोग को जिसमें भाग लगाना है उसको लेंगे, तो भाग लगाना हम लोग को इसमें, और इसमें चर इस्तेमाल हुआ है क्या x, याद रखेंगे चर क्या इस्तेमाल हुआ है x। a जो है स्टूडेंट ये कोई नंबर है, ओके। तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। अब हमारा काम होगा x की जगह a को रखना, तो a तो यहां पर होगा a का पावर 3, ओके स्टूडेंट a ऑलरेडी पहले से है और ये x की जगह a और इसका होल स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स का वैल्यू a माइनस a, तो ये हुआ a का पावर 3। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट ये a का पावर 2 है और ये दोनों a क्या में है, गुना में। और आप पढ़े होंगे क्लास 8 में कि गुना में अगर आधार एक जैसा हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ये 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 है ना, a का पावर 3। और ये हुआ 6a माइनस a। ध्यान दे स्टूडेंट तो ये दोनों चीज सेम है, a क्यू लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमारा ये हो गया कट जाएगा और 6 में से a जाएगा तो मिलेगा 5a। तो हमारा आंसर रेडी है स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं शेषफल बराबर 5a। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट जांच कीजिए, है ना, जांच कीजिए कि जो 7 + 3x है, 7 + 3x, 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आपको बताना है ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए स्टूडेंट 2, 4 का गुणनखंड है, ठीक है, 4 का गुणनखंड है। अगर 2, 4 का गुणनखंड है तब हम लोग कहेंगे जब 2 से इसमें 4 में भागा लगाएंगे, है ना, 2 से 4 में भागा लगाएंगे, 2 × 4 ये क्या मिल गया, शेषफल 0। तो शेषफल जब 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं 2, 4 का गुणनखंड है। मतलब ख्याल ये रखना रहता है कि शेषफल क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 0। 0 आया तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग का काम क्या होगा इसको सॉल्व करने में, हाँ, पहला काम होगा यहाँ से x का मान निकालना, क्योंकि शेषफल ज्ञात करने के लिए जिससे भाग लगाना है उसको पहले लेते हैं हम लोग और उससे x का मान निकालते हैं, +7 उधर जाके -7। अब स्टूडेंट 3 गुना में उधर जाके हो जाएगा भागा में, तो x बराबर -7/3। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को उसमें रखेंगे जिसमें हमें लगाना था भाग, और आपको पता होगा स्टूडेंट कि इसमें भाग लगाना है, तो जिसमें हमें भाग लगाना है उसको लेंगे। तो भाग हमें इसमें लगाना है तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x² + 7x, और हमारे पास x का वैल्यू निकाले हैं -7/3, ओके स्टूडेंट। तो 3 × 3 x के जगह हम लोग क्या लेंगे -7/3 का होल स्क्वायर +7 और x का वैल्यू -7/3। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो -7
बटा 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब दो बार गुना करना होगा, माइनस 7 बटा 3 गुना माइनस 7 बटा 3, तो आपको पता होगा माइनस गुना माइनस प्लस, 7 7 49 और 3 3 9। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया 3 गुना 49 बटा 9 और ये प्लस गुना माइनस माइनस, 7 7 49 और बटा 3, 3 1 3 3 3 9। क्लियर स्टूडेंट, 49 बटा 3 माइनस 49 बटा 3। ओके, अब यहां से हम लोग देखे स्टूडेंट, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कट सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि दो चीज कभी भी सेम हो और साइन क्या हो स्टूडेंट, अलग अलग हो तो दोनों कट जाते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाएगा, मतलब घट के जीरो जाएगा सेम चीज, तो ये हमारा जीरो आया, तो जीरो आया इसका मतलब ये बात सही है। हाँ ठीक है, 7 प्लस 3x मतलब ये जो है इसका गुणनखंड है, 7 प्लस 3x, 3x² प्लस 7x का एक गुणनखंड है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाए रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।